और जेपीएससी प्रीलिम्स में पीटी में एसपीटी संथाल पगना टेनेंसी एक्ट, इससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग 10 नंबर के इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। लास्ट ईयर लास्ट जेपीएससी में भी इससे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। एसपीटी एक ऐसा संथाल पगना जो काश्तकारी अधिनियम है, ये एक ऐसा एक्ट है जो संथाल परगना में ही लागू है। तो ये ध्यान देना है हम लोगों के लिए कि ये जो एक्ट है वो कहाँ के लिए है। तो ये संथाल परगना के लिए है। तो संथाल परगना में कितने जिले हैं? तो हम लोगों ने देखा संथाल परगना में 6 जिले हैं। इन 6 जिलों में ही ये लागू है। साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर और जामताड़ा में ही ये लागू है। गढ़वा से अनिल चौधरी, चलिए आपका स्वागत है अनिल जी, गुड इवनिंग। 6 जिलों में ये लागू है आपका एसपीटी एक्ट। मैं कहानी स्टोरी आपको बताऊंगा, उसके हिसाब से ही कोशिश करना है, समझने का प्रयास करना है, धाराओं पर नहीं नहीं जाना है। मोटा मोटी अगर हम लोग देखें तो इस एक्ट में जो है वो हम लोग जानते हैं कि 2 शेड्यूल हैं, 2 अनुसूचियां हैं, और इस एक्ट में टोटल जो चैप्टर है वो 9 अध्याय हैं, और सेक्शंस की बात करें तो 72 धाराएं हैं। ठीक है, ये बातें। शेड्यूल 2 जो है इसे ए और बी 2 पार्ट में रखा गया है, ए और बी। ए वैसे एक्ट, वैसे रेगुलेशंस, वैसे रूल्स जो पहले थे अभी हटा दिए गए, रद्द कर दिए गए हैं, तो इसमें अब कुछ नहीं है, रद्द कर दिया गया है। और ये जो बी सेक्शन है इसमें बताया गया है कि आदिवासी कौन है, ट्राइबल कौन है, जनजाति कौन, इस एरिया में जो आदिवासी है उसके बारे में बताया गया है कि कितने एब ओरिजिनल से कितने आदिवासी हैं, इस एरिया में कितने आदिवासी, तो इसमें उल्लेख 10 आदिवासियों का इसमें उल्लेख है, 10 जो यहाँ के मूल है एबोरिजिनल्स उनका इसमें उल्लेख है। ठीक है, तो 10 आप देख लेंगे, 10 ये कौन कौन है आप इसे पढ़ेंगे। तो एक बार 10ों का अगर हम लोग नाम देख लें कि कौन कौन है। ठीक है, तो एक राजा था, उस राजा का एक सन था, सन का नाम था हरि। तो एक राजा था, उसका एक लड़का था सन, उसका नाम था हरि। हरि को, हरि जो है उसे 2 किलो धान मिला, साथ ही उसे कुछ पान या पहाड़ा भी मिला और उसे मोबाइल मिला। चलिए, तो मैंने इतना आपको बताया है, अब आप इन 10ों को फटाफट पढ़िए कि भाई कौन कौन है। ठीक है, तो आप राजा से राजवार, संथाली, आप ठीक है, हाड़ी हरी से, तो आप आपका होमवर्क है कि आप इसे इन 10ों का नाम कैसे आपको मेमोराइज होता है वो फटाफट, को से अगर कोड़ा है तो किलो से कोल है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि क्या मुंडा जो है वो इनमें शामिल है, तो नहीं, इसमें मुंडा शामिल नहीं है। ठीक है, एम जो है ये मुंडा नहीं है, मोहली है, तो मुंडा इसमें शामिल नहीं है। तो मुंडा एसपीटी के हिसाब से आदिवासी है कि गैर आदिवासी, तो मुंडा गैर आदिवासी में आएंगे एसपीटी के हिसाब से। हो तो हो भी इसमें शामिल नहीं है, तो ये ध्यान देना है कि आदिवासी में ये 10 है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद उस स्टोरी को ध्यान से देखते हैं क्या क्या एसपीटी में है। मैं पीछे का बैकग्राउंड आपको नहीं बताऊंगा अभी, सिर्फ आपको एसपीटी एक्ट के बारे में बताऊंगा। एसपीटी एक्ट कुछ चीजें हैं, उसको ध्यान देना है। एक गांव है और एक और गांव है, 2 विलेज है। ठीक है, एक विलेज है और एक दूसरा विलेज है।
इस गांव का जो हेड है, गांव का हेड गांव के सिर पर रहेगा, तो जो गांव का हेड है, जो प्रधान है, जिसको हम लोग विलेज हेडमैन या प्रधान कहेंगे, ग्राम प्रधान कहेंगे, या उसे मांझी कहेंगे या मुस्तजीर कहेंगे, ये प्रधान, और इस गांव में मूल रही है। मूल रैयत वह है जो किसी भी जोत पर, किसी भी स्थान पर शुरुआत दौर में ही उसने खेती करना शुरू किया है। वहाँ गया, देखा वहाँ जंगल है, वहाँ बंजर भूमि है, वहाँ खाली जोत है, और उनके द्वारा वहाँ खेती प्रारंभ किया है। तो भाई जंगल काट कर, सब काट कर किसने बसाया? तो मैंने बसाया, इट मीन्स मूल रैयत ने बसाया। तो मूल रैयत ये है, एक गाँव है जिस गाँव में प्रधान भी नहीं है और मूल रैयत भी नहीं, जिस गांव में लाइक नहीं करते हैं आप लोग, लाइक भी करती है ये, जिस गांव में प्रधान भी नहीं है और मूल रैयत भी नहीं है, ठीक है, ये दोनों अब्सेंट है। तो वैसे गांव जिसमें ये नहीं है वे खास गांव है। कैसा गांव है वो? कुछ विशेष गांव। तो एक गांव जिसका नाम खास गांव है और एक ऐसा गांव है जो खास नहीं है, खास नहीं है, विशेष नहीं है। इस गांव में जो इसका प्रधान है ये है, ठीक है। तो मैंने दो गांव की चर्चा की, एक गांव का नाम है खास गांव और एक का नाम है खास नहीं गांव। खास गांव इट मीन्स इसका ना प्रधान है, ना हेड है और ना ही इनका मूल रैयत, बट इसमें तो प्रधान है तो ये खास नहीं है, सामान्य गांव कहलाएगा। अब इसको हम लोग देखते हैं कि ये जो गांव है इसमें प्रधान ही नहीं है। तो भाई प्रधान नहीं है, अब इस किसी गांव में प्रधान की बात क्या है? इस गांव में मूल रैयत है। क्या इस गांव में कुछ लैंडलॉर्ड भी हो सकते हैं? जी, भूस्वामी, जिसे जमींदार कहा गया, लैंडलॉर्ड भूस्वामी हो सकते हैं। भूस्वामी कौन है? तो भूस्वामी है जिनके पास पूरा जमीन का स्वामित्व है और उन्होंने उसे रैयत को दे रखा है और रैयत से वो लगान लेते हैं। तो भूस्वामी वो है जो रेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? लगान लेते हैं, वो भूस्वामी लैंडलॉर्ड कहलाते हैं। तो एक गांव है जिसमें लैंडलॉर्ड भी है, रहते हैं। क्या इस गांव में इस लैंडलॉर्ड की जो जोत है, जो भूखंड है, इस पर काम करने के लिए रैयत है? जी, रैयत है, रैयत किसान है जो वहाँ काम कर रहे हैं, चाहे रैयत खुद करे या उसके परिवार के सदस्य के द्वारा कराए या किसी को किराए पर हायर करे, रैयत है जो काम कर रहा है, ठीक है। अगर इस रैयत का जमाबंदी खाता खुल गया है, सरकार ने माना है कि भाई ये रैयत जो है इसकी जमाबंदी है, तो कहलाएगा जमाबंदी रैयत, ठीक। अब इस चीजों को हम लोगों को एक बार फिर से देखते हैं। तो पहला जो था इसमें तो ये भाई साहब है ही नहीं, है ही नहीं, अंगूठी नहीं है, मतलब हेड नहीं है। अब ये हेड नहीं है इसमें, तो हेड तो इसमें बनाना पड़ेगा, इसको हेड अपॉइंट करना पड़ेगा। तो अपॉइंटमेंट, हेड की नियुक्ति कौन करते हैं? तो डीसी साहब करते हैं, ठीक है। तो डीसी साहब को एक बड़ा सा आवेदन लिखा, एक आवेदन दिया गया। किसने दिया? या तो रैयत ने दिया या फिर लैंडलॉर्ड ने दिया। जमींदार भूस्वामी ने एक बड़ा सा आवेदन लिखा। इस आवेदन में इस गांव के दो तिहाई जो जमाबंदी रैयत है, दो तिहाई जमाबंदी रैयत है, इनकी सहमति होनी चाहिए, सबका सिग्नेचर है, ठीक है। तो इस गांव के जो खास गांव है, इस गांव के दो तिहाई जमाबंदी रैयत की सहमति है कि हाँ आवेदन दे रहे हैं। ये आवेदन किसके पास गया? डीसी साहब के पास गया कि हुजूर
हमारे गांव में हेड नहीं है, प्रधान साहब नहीं है, विलेज हेड नहीं है, तो आप इसको नियुक्त कीजिए। तो इनके आवेदन पर डीसी साहब यहाँ हेड विलेज हेड जो प्रधान साहब है उसको नियुक्त करेंगे। ठीक है, समझ में आया। दूसरा गांव जो है, जो मैंने कहा था, यहाँ ऑलरेडी हेड है बट ये हेड जो है वो परमानेंट टेल हो गए हैं, मतलब ये हेड अब फाइनली जा चुके हैं, इनका डिपार्चर हो गया है, ये डेथ कर गया, इनकी मृत्यु हो गई। तो भाई जब हेड की मृत्यु हो गई तब तो यहाँ भी हेड होना चाहिए। तो जो लैंडलॉर्ड है ये तुरंत इन्फॉर्म करेगा किसको, डीसी साहब को इन्फॉर्म करेंगे कि भाई इस गांव जो है, ये जो गांव है कैसा गांव है, क्या ये खास गांव है? जी नहीं, ये खास गांव नहीं है। ठीक है, तो इस खास गांव जो नहीं है इसमें लैंडलॉर्ड तो इन्फॉर्म करेगा डीसी साहब को कि हुजूर ये डेथ कर गए, इनकी तो मृत्यु हो गई है, हेड नहीं है, अब खाली हो गया। तो डीसी साहब जो है, और ध्यान रखना है कि ये डीसी साहब को ये बकायदा लिख के देंगे विद इन 3 मंथ्स, इनकी मृत्यु के 3 माह के अंदर लैंडलॉर्ड महोदय डीसी साहब को लिख कर देंगे कि इनकी मृत्यु हो गई। तब डीसी साहब यहाँ पर क्या करेंगे, एक विलेज हेड प्रधान की नियुक्ति, ठीक है, इलेक्ट करेंगे, उनको चयनित करेंगे। इतना समझ में आया। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि यदि इस प्रधान जिसकी मृत्यु हुई है, यदि उसका उत्तराधिकारी हो और वो फिट हो तो प्राथमिकता डीसी साहब उसके उत्तराधिकारी जो फिट है उसे देते हैं। तो ये 2 बातें हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ जो कोई नहीं था, यहाँ है डेथ कर गया, लेकिन चलिए अब ये है कि जो प्रधान साहब हैं, जो हेड साहब हैं, वो अब बन गए हैं, ठीक है, यहाँ भी बन गए हैं और यहाँ भी बन गए। अब हेड साहब जब बन गए हैं तो पूरा बढ़िया पार्टी वार्टी चल रहा है, पूरा हंगामा के साथ, तो बनाने वाले कौन है, डीसी साहब। तो डीसी साहब जो डिप्टी कमिश्नर है, उपायुक्त महोदय हैं, उन्होंने इन दोनों को बनाया है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि भाई मेरे पास आइए। तो ये लोग जो है वो कहाँ जाएंगे, तो ये प्रधान बन गए हैं, वो जाएंगे डीसी साहब के पास, इनके ऑफिस में जाएंगे। और इनके ऑफिस में जाने के बाद कुछ फॉर्मेलिटी होगा, कुछ कागजी कार्रवाई की जाएगी। कागजी कार्रवाई में इन प्रधान साहब को जो है एक लीज भरना पड़ता है, लीज जिसको पट्टा बोलते हैं, एक पट्टा भरना पड़ेगा। साथ ही साथ इन्हें जो है वो कबूलियत भरना पड़ेगा कि मैं कबूल करता हूं कि सरकार, राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन करूंगा और करवाऊंगा, ये इन्हें भरना पड़ेगा पट्टा। पट्टा के बाद कबूलियत, कबूलियत नामा किस शासक के द्वारा शुरू किया गया था, अगर कोई जानते हो तो आप मुझे फटाफट बताएं, कबूलियत नामा किस शासक ने शुरू किया था, किसानों से कबूलियत नामा भरा था। और इन्हें कुछ सिक्योरिटी, कुछ जमानत देना पड़ेगा, जमानत जमीन के रूप में भी हो सकता है या कैश भी हो सकता है। तो प्रधान साहब अभी तो चयनित हुए हैं, चयनित होने के बाद वो तुरंत बुलाहटा आया कि भाई ये मेरे ऑफिस में आई, कुछ कागजी कार्रवाई करना है। कागजी कार्रवाई भी हो गई, अब इसके बाद ये वापस लौटेंगे, तो ये इसके बाद वापस लौट रहे हैं, ठीक है। वापस कहाँ लौटेंगे, तो जो हेड साहब हैं, जो प्रधान साहब है, ये वापस लौटेंगे, कहाँ लौटेंगे, अपने ऑफिस गांव लौटेंगे। जैसे ही गांव लौटेंगे तो भाई इनको कुछ बताया जाएगा, तो दौड़े दौड़े इनके पास कौन आएंगे, तो लैंडलॉर्ड आएंगे, जो जमींदार है वो लैंडलॉर्ड इनके पास आएंगे, और इन्हें जो है क्या दे देंगे, तो इन्हें जो भी रिकॉर्ड्स है, ROR इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा उसको, ROR क्या है, ठीक है, ROR रिकॉर्ड्स ऑफ राइट। तो ये जो जिसको कहते हैं खेवट खतियान हिंदी में, ये दे देंगे इनको, और जमाबंदी का जो भी रजिस्टर है, जो भी पेपर है वो दे देंगे, लेकिन इसके लिए इनको 3 महीने का समय मिलता है। खैर,
तो ये हम लोगों ने इसको ध्यान से देखा क्या क्या चीजें हैं। अब ये बोलेंगे कि हेडमैन साहब कि मुझे बेकार बना दिया आप लोगों ने, मुझे तो मन नहीं लग रहा है, हम जो है वो चाहते हैं कि करण राव जो है उसको दे दिया जाए, मैं मुखिया नहीं बनूंगा, मैं प्रधान नहीं बनूंगा, मैं मांझी नहीं बनूंगा, करण राव साहब को मांझी बना दिया जाए। तो क्या ये अपने ऑफिस को, अपने पोस्ट को दे सकते हैं करण राव साहब को, क्या ये दे सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, मन मर्जी थोड़ी चलेगी कि मेरी मर्जी बचाए जो करूं, तो ये ट्रांसफर नहीं कर सकते। शेरशाह, गुड आंसर, शेरशाह सूरी ने कबूलियत नामा शुरू किया था। ठीक, सुभाष प्रसाद, गुड। तो इतना हम लोगों को समझ में आ गया क्या क्या चीजें हैं। अब जो हेडमैन है बोलेंगे मेरा खर्चा कहाँ चलेगा, तो बोला गया ना हुजूर कोई बात नहीं, आपके लिए जो आप हेड है हमारे, इनके लिए जो है वो अलग से एक फंड बनाया गया है, एक अलग से फंड बनाया गया है, ये फंड ठीक है क्या है, तो आप जो है आप कुछ फाइन कर सकते हैं। ठीक है, किस पर कर सकते हैं, रैयत पर या लैंडलॉर्ड पर आप फाइन कर सकते हैं। तो जो फाइन कीजिएगा, जुर्माना कीजिएगा, वो जमा होगा जिस फंड में, उस फंड का नाम है क्या, तो प्रधान ग्राम प्रधान का रिवार्ड फंड। लेकिन इस फंड पर कंट्रोल किसका होता है बताइए, इस फंड पर कंट्रोल किसका है, इस फंड पर कंट्रोल है डीसी साहब का। डीसी साहब ही इस फंड का पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, इस फंड से पैसा कहाँ जाना है, जो डिसबर्समेंट होगा, जो वितरण होगा पैसे का, धन का, वो कौन देखेंगे, डीसी साहब ही देखते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कुछ चीजों को देखा। अब आप ये बताइए कि एक बंजर जमीन है, ठीक है, इसका कुछ पार्ट बंजर है, ये बंजर लैंड है, वेस्ट लैंड है, इस जमीन पर राम जो है वो आकर खेती करना शुरू कर दिया अपने साथियों के साथ, भाई बंधुओं के साथ, राम रहीम के साथ, श्याम के साथ आकर खेती करना शुरू कर दिया। ठीक है, कुछ ऐसा जमीन है जो खाली जोत वैकेंट है, खाली है जो, भाई खाली जोत क्या होता है, खाली जोत है जिसका कोई माए बाप नहीं है, मतलब कोई देखने वाला नहीं, जो रैयत था वो मर गया, उसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, जिसको बोलते नावल्द। ठीक है, तो खाली जोत, अब खाली जोत पर भी जो है एक मोहन आया और खेती करना शुरू कर दिया। तो भाई मैंने बसाया है, मैंने खेती किया है, तो अधिकार किसका है, मेरा है। तो ऐसे लैंड जिस जो कहीं लिस्टेड नहीं हो, जो किसी सूची में नहीं हो, जो बंजर लैंड हो, खाली जोत हो, वैसे लैंड पर, वैसे जोत पर जो अधिकार होगा जिसे, उसे कहते हैं मूल रैयत। तो यह लैंड मूल रैयत जोत या मूल रैयती जोत होगा, चाहे वो उसका निजी हो, चाहे वो आधिकारिक रूप से, ये ध्यान रखिएगा, मैंने बसाया तो मेरा अधिकार होगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक बार हम लोग शुरू से देख लें क्या क्या है। पहले मैंने आपको क्या बताया, तो सबसे पहले मैंने बताया कि एक गांव है जिसका हेड ही नहीं है, तो हेड तो बनाना पड़ेगा ना, बिना हेड, बिना सिर के प्रधान के कैसे चलेगा। दूसरा हम लोगों ने पढ़ाया, दिखाया, एक तो हेड तो है लेकिन ये डेथ कर गया है, तो भाई इसको भी तो बनाना पड़ेगा। तीसरा हम लोगों ने बनाया कि जो हेड है, जो प्रधान है, ग्राम प्रधान, वो कहाँ जाएंगे, तो डीसी साहब के ऑफिस जा रहे हैं, डीसी साहब ने उनको बुलाया है, कागज कहाँ बुलाया भाई, तो कुछ कागजी कार्रवाई करना है, कुछ सिक्योरिटी भरना है। चौथा हम लोग देखेंगे कि जो हेड है, प्रधान है, वो बोले मन नहीं लग रहा है,
मन नहीं लगत हो, नहीं लग रहा है। हम चाहते हैं कि अपना जो पोस्ट है, अपना ऑफिस जो है, वो नंदराज को दे दे, ठीक है, नंदराज को दे दे। तो क्या ये दे सकते हैं? नहीं, पद को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। और क्या इनके लिए कोई फंड है? जी, इनके लिए एक फंड बनाया गया है, और मूल रैयत जो जमीन कहीं नहीं है, वो मूल रैयत के पास है। फिर से एक बार आप इसको देख ले, कहीं दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, कौन सी बड़ी बात है इसमें। इतना हम लोगों ने समझा। अब इसी को अगर आप सेक्शन में कहेंगे तो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है। और इस तरह से सेक्शन वाइज आप इसको बना सकते, बनाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। सिर्फ समझ में आना चाहिए कि क्या क्या चीजें हम समझ रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जो है वो 2-3 इससे पूछा गया है। पूछा ये गया है कि सेक्शन 9 से भी क्वेश्चन लास्ट जेपीएससी में आया था, और सेक्शन 10 से भी क्वेश्चंस आया था। तो एक बार हम लोग तेजी से फिर से देख लें। 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11, ये थोड़ा पुआल। 5 में है कि किसको मनोनीत की जाएगी, तो 5 में है कि हेड साहब को, प्रधान को नियुक्त किया जाएगा। 6 में मर गए हैं, उनकी इंफॉर्मेशन दी गई, तब वो बनाए जाएंगे। 7 में क्या है, वो जाएंगे डीसी साहब के पास, उनके ऑफिस में कुछ फॉर्मेलिटी को कर लौटेंगे। 8 जब अपने वापस ऑफिस आएंगे तो लैंडलॉर्ड साहब उनके पास आएंगे, कागज लेकर, पूरा रजिस्टर लेकर उनको दे देंगे कि हुजूर अब आपका काम है ये देना। 9 में क्या है, मेरी इच्छा कर रही है कि मैं ट्रांसफर कर दूं पोस्ट को, नहीं कर सकते, ये ध्यान देना है कि वो नहीं कर सकते। 10 अपवाद है। 11 में क्या है, फंड। 11 में क्या है, फंड। 10 जो अपवाद है ये मूल रैयत के लिए। तो ये इतना तो हम लोगों ने पढ़ा, तो ये तो आपका पहला अध्याय, फर्स्ट चैप्टर तो हो ही गया। कहां कोई दिक्कत, कहां कोई दिक्कत हुआ उसको। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट अध्याय के 5 से लेकर 11 तक के जो सेक्शंस है उसको हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद हम लोग आगे थोड़ा सा कहानी आपको आप बढ़ाते हैं, क्या क्या चीजें है। एक स्टोरी है, उस पर ध्यान दें। स्टोरी ये है कि एक गांव रहता है, एक ग्राम है, इसका नाम है मोहनपुर, और मोहनपुर के बगल में एक गांव है जिसका नाम मान ले रिखिया। दो विलेज है, दो गांव है। मोहनपुर का जो गांव है, इसका जो ग्राम प्रधान है उसका नाम है विशु बाउरी, और इसका जो लैंडलॉर्ड एक है, जमींदार, उसका नाम है राम बाबू, ठीक है। तो मोहनपुर गांव में कुछ रैयत रहते हैं, कुछ जमाबंदी रैयत रहते हैं। एक रैयत का नाम है के किशन कोल, एक का नाम है डीडी डब्लू डोम, और एक का नाम है एमएम मुन्ना मुंडा। ये 3 रैयत थे जो इस, ठीक है। अब ये जो मुन्ना मुंडा है वो इस गांव में नहीं रहकर वो रिखिया में रहता है, ठीक है। और ये जो किसान कोल है ये बहुत पुराना है, और डब्लू डोम जो है ये भी नया नया आया है और रह रहा है। ये इसको ध्यान से फिर से देखिए क्या है। भूस्वामी सरकार जो ही होता है, या सरकार गवर्नमेंट भी लैंडलॉर्ड हो सकती है, पर्सनल व्यक्ति भी लैंडलॉर्ड हो सकता है।
तो ये हम लोग फिर से देख लें कि गांव है मोहनपुर, उसके पड़ोसी गांव का नाम है रिखिया। जो मोहनपुर गांव है उसमें कौन क्या क्या है, तो ग्राम प्रधान का नाम है विशु बावरी, लैंडलॉर्ड जो है राम बाबू, और कुछ रैयत है जिसमें दो रैयत मोहनपुर के हैं और एक रैयत जो है जमाबंदी रैयत, वो रिखिया पड़ोसी गांव का रहने वाला है। ठीक है, अभी राम बाबू है इनके पास 10 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ जमीन, ठीक है, मान लें 10 एकड़ जमीन इनके पास है। इतना आपको समझ में आया है, उम्मीद करता हूं इतना समझ में आया है क्या क्या है। अब जो राम बाबू है इनके पास जो 10 एकड़ जमीन है, इस 10 एकड़ जमीन में से इन्होंने 5 एकड़ जो है वो दिया है के किशन कोल को, 5 एकड़ जमीन दिया। ठीक है, अब किशन कोल को हम लोग देखते हैं, किशन कोल के पास एक 5 एकड़ का बड़ा सा प्लॉट आ गया है, किशन कोल। तो किशन कोल जो है ये इस एरिया का 5 एकड़ जो जमीन मिला है उसका वो अस्थाई जमाबंदी रैयत। आप ये बताइए कि ये किशन कोल कहाँ का निवासी है, तो ये मोहनपुर गांव का निवासी, ठीक है, वही रहता है। आप बताइए कि एमएम जो मुन्ना है वो कहाँ रहता है, मोहनपुर में रहता है कि बगल में रहता है, तो वो रिखिया में रहता है। ठीक है, क्या जो जमीन मिला है क्या इस लैंड का उपभोग कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है? जी, के जो है किशन कोल जो है इस जमीन का, उसको ये अधिकार है कि वो इस जमीन का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, इस्तेमाल कर सकता है, खेती कर सकता है। अब राम बाबू बोलते हैं के को कि जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो, मेरा जमीने खराब कर दे रहे हो, तो तुमको जो है वो हटा देंगे, बेदखल कर देंगे। तो क्या राम बाबू चाहे तो के को इस जमीन से बेदखल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान रखना इसको, नहीं बेदखल कर सकते। अब के जो है इस जमीन का इस्तेमाल करना शुरू करता है, क्या करता है, तो इसके एक पार्ट में जो है वो के कुछ ईंट बनाना शुरू करता है। के जो है वो ईंट लगाता है, तो क्या वो ईंट लगा सकता है? बिल्कुल लगा सकता है, ईंट लगा सकता है। क्या वो यहाँ पर खपड़ा लगा सकता है? जी, खपड़ा लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है खपड़ा। तो के इस जोत एक भाग में ये लगा देता है, दूसरे भाग में जो है वो क्या करता है कि दूसरे भाग में वो कुछ सिंचाई के लिए बांध बना देता है, कुछ कुआं बना देता है, कुआं बना देता है, ठीक है, तालाब बांध कुआं ये सब बना देता है, और उसमें मछली भी पालन करने लगता है। बड़ी अच्छी बात है, उसमें मछली भी पालन करना शुरू करता है, बढ़िया है, तो मछली पालन भी शुरू कर देता है। फिर से आप इसको जरूर देख लें कि एक किसान है जो अपने खेत का इस्तेमाल कर रहा है, और इस्तेमाल कर रहा है और क्या करता है, तो वो ईंट बना सकता है, बनाना शुरू करता है। एक भाग में वो कुछ बांध बनाता है जहाँ मछली उछली का पालन करता है, और एक भाग में जो है वो क्या करता है, तो ट्री पेड़ लगाना शुरू करता है, कुछ पेड़ लगाता है। ठीक है, चाहे वो महुआ का पेड़ हो, चाहे वो बांस का पेड़ हो, जो भी पेड़ हो वो इस जगह पर लगाना शुरू करता है। कुछ भाग में क्या करता है कि वो घर बनाता है जहाँ वो रहता है, तो वो कुछ भाग में मकान बनाकर रहना शुरू करता है, चाहे वो कच्चा मकान हो चाहे वो पक्का मकान। इन चीजों को आप फिर से देख लीजिएगा कि क्या क्या वो कर रहा है, इसको ध्यान देना है। ठीक है, अब राम बाबू जो है वो कहते हैं कि भाई तुम्हारा जो जोत है जो तुमको दिए हैं वो हम चाहते हैं कि उसको कुछ बंटवारा कर दे। तो क्या राम बाबू इस के के जोत को, जो खेत है, इसे बांट सकते हैं, बंटवारा कर सकते हैं?
बंटवारा तो कर सकते हैं, इस जोत को बांट सकते हैं, लेकिन तभी करेंगे जब परमिशन ले। इसका तो राम बाबू जो है वो डिस्कस करेंगे केके से, ठीक है, और किससे करेंगे, जो मूल रैयत ग्राम प्रधान है उससे, जो हेड है उससे, इससे डिस्कस करने के बाद जोत का बंटवारा हो सकता है, जोत का विभाजन हो सकता है, तो जोत को ये बांट सकते हैं। बाकी पार्ट में क्या कर रहा है, वो खेती कर रहा, बाकी पार्ट में वो खेती कर रहा, ठीक है। फिर से देख ले, तो हम लोगों ने देखा क्या, पहले ये देखा कि जो रैयत है, जो केके है, वो उसी गांव मोहनपुर गांव का निवासी, लेकिन दूसरी ओर जो एमएम है वो कहाँ का निवासी, वो रिखिया के निवासी, क्या उसी गांव का निवासी, नहीं उस गांव का निवासी। और एक जो डब्लू है वो उसी गांव का निवासी लेकिन अभी नया नया आया, क्या ये लोग अपने खेत का इस्तेमाल करने के अधिकृत हैं, जी अपने खेत का इस्तेमाल करने का अधिकृत है ये सब। क्या इन्हें बेदखल कर सकता है, नहीं नहीं बेदखल नहीं कर सकता है, डीसी साहब ही इनको बेदखल कर सकते हैं, जमींदार राम बाबू को अधिकार नहीं है कि इन लोगों को बेदखल कर देगा, ठीक है। किस तरह से वो अपने भूमि का इस्तेमाल करेगा, तो पहले ईंट लगाएगा, ब्रिक्स लगाएगा, टायर्स लगा सकता है, और क्या कर सकता है, बांध बना सकता है, वहां पर बांध के साथ मछली उछली का पालन कर सकता है। उसके बाद क्या करेगा, तो वृक्ष लगा सकता है, बांस लगा सकता है, गार्डन बना सकता है, पेड़ जो बनाया लगाएगा, उस पेड़ में जो भी चीजें होंगी उसका कटिंग करके अपने पास रखेगा, ठीक है, अपने पास वो रखेगा। महुआ का पेड़ लगाएगा तो उसे कटिंग नहीं कर सकता है, महुआ के पेड़ को काटने के लिए उसे एसडीओ साहब से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। इस जगह पर वो चाहे तो सेरिकल्चर भी शुरू कर सकता है। सेरिकल्चर क्या है, फटाफट लिख के मुझे बताइए, सेरिकल्चर क्या है। इस स्थान पर वो सेरिकल्चर भी शुरू कर सकता है, लाह लाह का उत्पादन, लैक प्रोडक्शन भी कर सकता है इस स्थान पर। और लास्ट में क्या है कि अपना घर बनाकर वहां रह सकता है, कच्चा का या मकान का घर बनाकर यहाँ रह सकता है, इसका जोत का विभाजन हो सकता है। इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताया केके को लेकर, किशन कोल को लेकर मैं इतनी सारी चीजें। अब केके की दिली इच्छा है कि वह कुछ पार्ट जो है वह उसे ट्रांसफर कर दे, बेच दे। क्या केके रेशम कीट पालन, ठीक है, वेरी गुड, रेशम कीट पालन, रियर जो सिल्क है उसका कुकून का पार्ट प्रोडक्शन, रेशम कीट का पालन कर सकता, ठीक। क्या केके अपने इस जोत को या जोत के कुछ भाग को बेच सकता है, क्या ये इसे किसी को सेल कर सकता है, क्या ये किसी को गिफ्ट कर सकता है, क्या ये वसीयत बना सकता है, क्या ये किसी को दे सकता है कॉन्ट्रैक्ट पर, क्या ये किसी को एग्रीमेंट कर सकता है। तो जो आरओआर है, जो राइट ऑफ रिकॉर्ड्स जो है, जो रिकॉर्ड्स ऑफ राइट जो है, ये जो खेवट खतियान जिसको बोलते हैं, अगर उसके हिसाब से मान्यता है कि हाँ ये कर सकता है कुछ विशेष परिस्थितियों में, तभी कर सकता है। समान परिस्थिति में केके अपने जोत को या जोत के किसी भाग को किसी दूसरे को हस्तांतरित ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ना उसे बेच सकता है, ना उसे गिफ्ट कर सकता है, ना वसीयत, ना कॉन्ट्रैक्ट, ना किसी तरह से, ठीक है। मत्स्य पालन नहीं है, मत्स्य पालन तो फिशरीज, मत्स्य पालन जो है वो अलग चीज है, ठीक है, वो हम लोग ब्लू रेवोल्यूशन नीली क्रांति में नहीं पहुंच जाए वहां है। तो जितनी बातें मैंने कहा है इसको आप एक बार फिर से देख लें। चलिए अब इसको हम लोग कुछ टू दी पॉइंट पता पड़ता है। रैयत, तो आपको मैंने बताया कि तीन तरह के लोग, पहला है किशन कोल, किशन कोल, दूसरा है मुन्ना मुंडा, मुन्ना मुंडा, और तीसरा है डब्लू डब्लू। ये हो गया उसी गांव में निवास करने वाला क्या जमा बंदी रैयत,
जो उसी गांव में रहता है, एमएम, ये उस गांव में नहीं, रेखिया गांव में रहता है, ठीक है। तो गैर निवासी, दूसरे गांव में रहने वाला, गैर निवासी, जमाबंदी रैयत, और ये भी नया नया रैयत बना है। ये पहला मैंने आपको ये बताया। दूसरा बताया कि क्या ये लोग अपने जोत का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं। जी कर सकते हैं। ये दो बातें, फर्स्ट मैंने ये बताया आपको, सेकंड आपको बताया कि हाँ कर सकते हैं। क्या इन लोगों को राम बाबू बेदखल कर सकता है, निकाल सकता है कि नहीं भागो तुम अब नहीं रहोगे? तो तीसरी बात मैंने आपको बताया कि क्या निकाल सकता है, बेदखल कर सकता है, नहीं कर सकता। तो भाई बेदखल कौन करेगा? तो बेदखल करेंगे डीसी महोदय, उनके द्वारा किया जा सकता है। तो इसको अगर हम लोग सेक्शन वाइज करें तो ये 12 हो गया, ये वाली बात जो मैंने कहा ये 13 हो गया, बेदखल वाली बात जो मैंने कहा वो 14 हो गया, ठीक है। फिर से देख ले, इसके बाद के पार्ट को फिर से देखें। खेत में सबसे पहले वो क्या कर रहा है, तो सबसे पहले वो ईंट बना रहा है, तो वो ईंट बना रहा है, वो खपड़ा बना रहा है, टाइल्स बना रहा है। इसके बाद वाले पार्ट में वो क्या कर रहा है, तो वो डैम बना रहा है, बांध बना रहा है, ठीक है, या जलाशय बना रहा है, सिंचाई के लिए जल का संग्रह कर रहा है, और इसके भीतर वो मछली का पालन भी कर सकता है, वो कुआं बना रहा है, पानी से संबंधित, जल संबंधित चीजों को वो कर रहा है। ये सेकंड बात है। तीसरी बात क्या है, तो वो वृक्षारोपण कर रहा है, पेड़ लगा सक रहा है, वो पेड़ लगा रहा है। भाई ये जो पेड़ लगा रहा है, वृक्ष लगा रहा है, ये वृक्ष बांस भी हो सकता है, गार्डन भी हो सकता है, और इसमें वो रेशम कीट का पालन कर सकता है, लाह का पालन कर सकता है। महुआ क्या इसे काट सकता है, ये महुआ का पेड़ काट सकता है? नहीं, बिना परमिशन के नहीं काट सकता। किससे परमिशन चाहिए? मुझसे चाहिए? अच्छा, मुझसे नहीं चाहिए। परमिशन किससे चाहिए? एसडीएम साहब से परमिशन लेने के बाद ही ये काट सकता है। और उसके बाद क्या पड़ा कि वो मकान बना सकता है, तो वो एक मकान बना सकता है, ये हम लोगों ने पढ़ा। तो ये जो है ये खेत में बनाने वाली चीजें हैं, तो ये जरूर ध्यान रखिए कि ये बनाने वाली चीजें हैं। 15, 16, 17, 18 ये बनाने वाली चीजें हैं, इससे हम लोगों को ध्यान रखना है खेत में। इसके बाद खेत का एक पोर्शन था जिसको राम बाबू चाहता है कि उसको बांट बांट दे और उसका लगान का भी वितरण कर दे उसके हिसाब से। तो क्या लैंडलॉर्ड अपनी इच्छा से कर सकता है? लैंडलॉर्ड किससे किससे सहमति लेगा, डिस्कशन करेगा, तो लैंडलॉर्ड उस रैयत से डिस्कशन करेगा और मुखिया से करेगा डिस्कशन, तभी इसे कर सकता है। तो ये चीजों को हम लोग कहा, तो ये 19 नंबर में ये है। अगर हम लोग आगे बढ़े 20 में, तो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्या रैयत जो है वो हस्तांतरित कर सकता है, क्या ट्रांसफर कर सकता है अपने जोत को, अपने चीज को कर सकता है? तो यहां दो बातें, अब जरूर देखिए दो बातें। एक, किसकी बात हम कर रहे हैं, आदिवासी रैयत, और दूसरा किसकी बात कर रहे हैं, गैर आदिवासी रैयत। आदिवासी रैयत की, गैर आदिवासी रैयत। आदिवासी रैयत महोदय क्या समान परिस्थितियों में बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, क्या गिफ्ट कर सकते हैं, क्या विल बना सकते हैं, वसीयत, क्या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या एग्रीमेंट कर सकते हैं? समान परिस्थिति में ये नहीं कर सकते। यदि खेवट खतिहान जो आरओआर है उसमें यदि दिया हुआ है, उनको परमिशन दिया है कि इन परिस्थितियों में वो कर सकते हैं, तभी वो कर सकते हैं। अब आपको जानना है कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें ये दे सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो
क्या वो अपने गांव या अपने अनुमंडल के किसी आदिवासी रैयत को, अच्छा यहाँ आदिवासी और गैर आदिवासी की बात आ गई, आप बताइए क्या मनोज मुन्ना मुंडा आदिवासी है गैर आदिवासी? चलिए मैं वेट कर रहा हूँ आपका, आपको बताना है क्या मुन्ना मुंडा आदिवासी है या गैर आदिवासी है। मुन्ना मुंडा है, ध्यान रखेंगे मुंडा है। क्या ये 10 जो शेड्यूल बी में 10 एबोरिजिनल्स का उल्लेख किया गया है, क्या उसमें ये शामिल है मुंडा जी या नहीं शामिल है, वो ध्यान रखना। ठीक है, अभी तक किसी ने, वेट कर रहा हूं मैं आपके आंसर का। तो ये किसी का आंसर नहीं, ठीक है, शामिल नहीं है, तो ये गैर आदिवासी में आएंगे। ठीक है, तो पहला है कि क्या ये अपने अनुमंडल में 1 वर्षों के लिए किसी को लीज पर दे सकते हैं, अपने अनुमंडल में 1 वर्ष के लिए किसी को लीज पर दे सकते हैं जो उसी आदिवासी ही हो। दूसरा, क्या ये अपने सिस्टर, क्या ये अपने सिस्टर या डॉटर पुत्री को दे सकते हैं? जी, ये उसे दान पर दे सकते हैं। और किसे दे सकते हैं बताइए, और किसे के देगा किशन कोल, और किसे दे सकता है? तो जो उनके घर में अगर उनकी विधवा माँ है, या अगर वो बहुत बीमार हो गया और उसका मेंटेनेंस करना है, तो पत्नी को दे सकता है यदि लगता है कि पति मरने वाली स्थिति में है, तो उसे भी दान में दे सकता है। क्या एक आदिवासी रैयत दूसरी आदिवासी रैयत को ही देगा या फिर किसी अन्य गैर आदिवासी को भी दे सकता है? तो एक आदिवासी रैयत दूसरी आदिवासी रैयत को ही देगा, ध्यान रखना हम लोगों को, ठीक है, उसको ही देगा। तो एक आदिवासी रैयत दूसरे आदिवासी रैयत को ही देगा। तो ये मुख्य चीजें हैं जो आपको ध्यान से इसको पढ़ना है, किन किन परिस्थितियों में ये दिया जाएगा। गैर आदिवासी क्या ये दे सकता है लैंड किसी को हस्तांतरित? नहीं, ये मॉर्गेज कर सकता है, ये बंधक के रूप में गिरवी के रूप में रख सकता है। तो वह जमीन जिसे रैयत गिरवी के रूप में किसी को देता है, उस जमीन को क्या बोलते हैं? उस जमीन को हम लोग कहेंगे जिसका वो भोग, उसको भोग नहीं कर सकता है, भुगत बंध या पूर्ण रूप से उसका भोग नहीं कर सकता, भोग बंध लैंड। ठीक है, वह लैंड है जिसको वो गिरवी के रूप में किसी को दे दिया हो, उसका वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, गिरवी के रूप में दिया हुआ है, ध्यान रखना हम लोगों को, तब तक जब तक उसे वापस न मिल जाए। वापस मिलेगा इस बीच में उसका कोई भी पैसा धनोपार्जन उससे वो नहीं कर सकता। तो गैर आदिवासी अपने जो रैयत जो जोत है उस जोत को गिरवी रख सकता है। किसके पास गिरवी रखेगा? तो वो किसी भी संथाली रैयत के पास गिरवी रखेगा। इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है इस बार ये क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, इसे आप टिक कर ले, लिख ले कॉपी में। वो ये किसी भी संथाली रैयत को गिरवी रख सकता, उसको दे सकता। कितने समय के लिए गिरवी रखते हैं? तो ये अधिकतम 6 वर्षों के लिए गिरवी रख सकते। अब जिनके पास गिरवी रखा है, बंधक रखा है, वो बोलेगा नहीं लौटाएंगे, तो 6 साल हो गया, उसके बाद भी वो कह रहा नहीं लौटाएंगे, तो वैसी दशा में नहीं लौटाने पर सजा का भी प्रावधान है, 3 माह की सजा एवं 500 रुपये आर्थिक दंड, अर्थदंड का भी इसमें प्रावधान है। तो ये हम लोगों के लिए, आपके लिए ये जो सेक्शन है इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका अगला पार्ट हो गया 21, ये वाला ये, और इसके बाद ये 2 पोर्शंस। ठीक है, मान ले कि कोई किसान जो है, केके साहब है, किशन कोल साहब है, वो बीमार पड़ गए। तो क्या बीमार पड़ गया, उनके घर में जो है बच्चे जो बहुत छोटे छोटे हैं और उनकी पत्नी है से बची, तो क्या केके का जो लैंड है, जो जोत है, वो जोत वो किसी ट्रस्ट को दे सकता है? गांव का कोई ट्रस्ट चला सकता है उसे? जी, गांव का कोई न्यास कोई ट्रस्ट उसे चला सकता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, जमीन के बदले जमीन,
क्या जोत के बदले जोत मिल सकता है? मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो जोत है उसके बदले में ट्रांसफर कर लूं, मतलब एक्सचेंज कर लूं, तो क्या कोई एक्सचेंज कर सकता है? जी, अगर चाहे तो के जो है वो डीडी के साथ एक्सचेंज कर सकता है, किशन कोल जो है वो डब्लू डोम के साथ अपना एक्सचेंज करता है। नाम मैं ऐसे जिस एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, कोई इस नाम के कोई होंगे तो भाई उसके लिए भी सॉरी, ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है कि आपको हर्ट किया जाए, सिर्फ हम लोग समझने के लिए कहानी के रूप में उसको ले रहे हैं। तो अदला बदली हो सकता है, बट अदला बदली किसके परमिशन से? सब कुछ तो उपायुक्त महोदय के ही परमिशन से हो रहे हैं, ठीक है। तो अदला बदली हो सकता है, बसरते उपायुक्त महोदय को ये लगे कि जो अदला बदली हो रहा है इसमें सेम प्राइस सेम वैल्यू समान मूल्य का ही जमीन अदला बदली हुआ है, या फिर वो अदला बदली उसी गांव में हुआ है या पड़ोसी गांव में हुआ है, बगल वाले गांव में, ऐसा ना हो कि बहुत दूर हुआ हो, ठीक है। तो ये एक्सचेंज किया जा सकता है। तो इसने अपना ट्रांसफर कर दिया, अदला बदली भी हो गया, तो भाई ऐसे ही हो जाएगा। उसका कोई रजिस्ट्रेशन निबंधन आवश्यक है या नहीं है? तो उसके लिए निबंधन आवश्यक है। निबंधन कहाँ होगा? तो लैंडलॉर्ड के पास, उन्हीं का ना जमीन सब कुछ है, तो उनके पास ही निबंधन रजिस्ट्री होगा। रजिस्ट्रेशन जो होगा वो कहाँ होगा? लैंडलॉर्ड के पास ही रजिस्ट्रेशन होगा। उस रजिस्ट्रेशन की अपनी कोई फी भी होती, और फाइनली इस फी को किसको इंटीमेट किया जाता है? उपायुक्त महोदय को फी ट्रांसफर किया जाता है कि भाई इतना पैसा आया, इतना आपके पास आता है। और जिस दिन से निबंधन का जो पैसा चला गया, परमिशन मिल गया उपायुक्त महोदय से, उसी दिन से माना जाएगा कि इफेक्टिव हो गया, ठीक है। तो फिर से एक बार हम लोग तेजी से फटाफट कर लें, कोशिश करता हूं आपने जो पढ़ा है आपके दिमाग में वो होगा। हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर टू, ठीक है। चैप्टर वन की बात करें हम लोग, चैप्टर वन में क्या है? तो चैप्टर वन में बेसिक चीजें हैं, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको बाद में। चैप्टर टू की बात करें, इसमें क्या है चैप्टर टू में? तो चैप्टर टू में क्या था? तो इसमें ग्राम प्रधान के बारे में है, कि जो ग्राम प्रधान है वो और मूल रैयत के बारे में। अब आप मुझे ये बताइए कि ग्राम प्रधान चैप्टर टू में जो सेक्शन है 5-11, इसमें जो सेक्शन है 1-4, जस्ट लाइक भारत का संविधान में 1-4 पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट जो है 5-11 भारत के संविधान में, वैसे ही यहां भी है। ग्राम प्रधान से संबंधित जो बातें थी वो सेक्शन 5, 6, 7, 8, 9 एंड 11, इनका बीच में 10 आ गया, ठीक है। फटाफट आप रिकॉल करें, 5 में क्या है? तो मैंने कहा था कि है ही नहीं कोई हेड, तो खास गांव है जहां कोई हेड नहीं। 6 में क्या है? डेथ कर चुके हैं, उसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे डीसी साहब को क्या करना है। 7 में क्या है कि बन गए हैं हेड, चलिए आप डीसी साहब के ऑफिस जाइए, वहां जो फॉर्मेलिटी है उस फॉर्मेलिटी को करिए, पट्टा वगैरह कबूलियत वगैरह जमा करिए। 8 में हो गया पूरा, बैंड बाजा चला गया, वापस लौटेंगे धूमधाम मचाकर अपने ऑफिस आएंगे, तो अपने ऑफिस में लैंडलॉर्ड उनको सारा कागज देंगे, जमाबंदी का भी और आरओआर भी देंगे 8 में, ठीक है। तो 8 हो गए, 9 में, 9 में क्या है? ये चाहते हैं कि इनको जो मिला है वो ट्रांसफर कर दे, अपने पोस्ट किसी और को दे दें, लेकिन वो नहीं दे सकते। 11 में क्या है? तो इनका फंड है, इनका रिवार्ड फंड है 11 में। 10 में क्या है? मूल रैयत के बारे में 10 में है, ठीक है। तो ये हम लोगों को एक बार देखा हम लोगों ने तेजी से। इसके बाद जो है वो चैप्टर 3 है, ये है फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार में, चैप्टर 3 में था, पार्ट 3 में था, 12 से लेकर 35 तक, तो यहां 12 से 26 ही है। ये हम लोगों ने क्या देखा? तो हम लोगों ने पहले देखा कि रैयत है 3 तरह के, फिर हमने देखा कि ये अपने भूमि का इस्तेमाल करने का इन्हें अधिकार है, इस्तेमाल करने का इन्हें अधिकार है, 12-13। इन्हें बेदखल
नहीं किया जा सकता। 14 में फिर यहां चार बातें, चार बातें क्या क्या बना सकते हैं, ईंट बना सकते हैं, बांध वाला मछली उछली पालन कर सकते हैं, पेड़ वगैरह लगा सकते हैं और मकान बना सकते हैं, चार बातें। ठीक है, तो ये 15, 16, 17, 18 हो गया। 19 में क्या देखा हम लोगों ने कि जोत, जो जोत है उसका विभाजन किया जा सकता है, तीनों की सहमति से जोत का विभाजन किया जा सकता है, ये हम लोगों ने 19 में देखा। 20 और 21 दो जुड़े हुए हैं। 20 में आदिवासी रैयत के द्वारा जो है वो हस्तांतरण किया जा सकता है जमीन इन शर्तों पर, और 21 में क्या है गैर आदिवासी द्वारा अपना जो लैंड है, जो धान योग लैंड है उसका 1/4 भाग वो जो है वो बंधक के रूप में रखा जा सकता है, मॉर्गेज के रूप में रखा जा सकता है। कहाँ? राज्य सरकार का अगर भूमि बंधक बैंक है तो वहां, डीसी साहब ने अगर अनाज गोला बना रखा है तो वहां, या इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी 1935 के तहत अगर कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो वहां, या फिर संथाल के किसी भी रैयत के पास रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये दो पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। ये 22 में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ट्रस्ट, जो ट्रस्ट है वो बना सकता, काम कर सकता है अगर वो कहीं विदेश कहीं बाहर चला गया हो रैयत, बीमार पड़ गया हो रैयत, घर में सिर्फ बच्ची और बच्चा और महिला बची हो, जो गाय बैल वगैरह जो है वो सब नहीं है, लॉस हो गया है, तो ट्रस्ट काम कर सकता है। कितने सालों के लिए? अगर कोई समय सीमा ना हो तो 10 वर्षों तक के लिए ट्रस्ट जो है उसका जो देख सकता है। हम लोगों ने 22 में पढ़ा। 23 में क्या है? 23 में कहा कि अदला बदली हो सकता है। ठीक है, 23 में क्या है? अदला बदली हो सकता है, एक्सचेंज, एक्सचेंज किया जा सकता है। 24 में मैंने कहा कि क्या रजिस्ट्रेशन के बिना जो भी हो रहा है बिना रजिस्ट्रेशन के एक्सचेंज और ये सब नहीं, निबंधन तो आवश्यक है, निबंधन तो आवश्यक है, लैंडलॉर्ड के पास निबंधन होगा, लैंडलॉर्ड इस पर चार्ज भी कर सकता है, जो वार्षिक लगान है उसका 2% ले सकता है, या अधिकतम 50 रुपये और मिनिमम 50 पैसा भी ले सकता है। ठीक है, इसके बाद एक रजिस्टर ऑफिस, रजिस्ट्रिंग ऑफिसर होगा जो रजिस्ट्री करेगा, वो इसमें है, और वो इसका इंफॉर्मेशन किसको देगा? डीसी साहब को देगा, और डीसी साहब के अनुमोदन के बाद उस दिन से ये इफेक्टिव हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। तो ये आपके 15 धारा हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। कोशिश करना है समझ समझ कर, जब मुझे मेरे मेमोरी में चला गया, जब मुझे एग्जाम नहीं देना है और आपको एग्जाम देना है, तो वैसी दशा में न्यास जोत, मतलब कहा कि गांव के कुछ लोगों के द्वारा एक ट्रस्ट बनाया जाएगा, एक न्यास बनाया जाएगा, उस न्यास के द्वारा ही उस जोत का प्रबंधन किया जाएगा। तो मैंने कहा कि जब मुझे दिमाग में आ सकता है, मुझे एग्जाम नहीं देना, आप लोगों को देना है, तो आप लोग ज्यादा सिंसियर होकर पढ़ रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा चीजें, ध्यान से एक एक चीज को बारीकी से पढ़िएगा तो समझ में ज्यादा अच्छा और आएगा। इसके बाद के जो पोर्शंस है, चाहे वो बंजर भूमि है, वेस्टेज लैंड है, या उसके आगे लगान है, या जो भी चीजें हैं उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जितना मैंने बताया वो, अगर आपको चैप्टर्स याद करना है किस चैप्टर में क्या क्या है, तो बहुत आसान है। किसी भी एक्ट का जो पहला चैप्टर होता है वो हमेशा इनिशियली देता है, प्राइमरी देता है, उसमें उसका नाम क्या है, वो कब लागू हुआ, वो कहाँ कहाँ लागू होगा, किसकी परिभाषा क्या है, ये सब पहला चैप्टर में हमेशा होता है। लास्ट जो चैप्टर होता है, 9वां नंबर चैप्टर या किसी भी एक्ट का लास्ट चैप्टर, वो मिसलिनियस होता है, विविध, लास्ट में बचा खुचा जब है उसमें डाल देना है। ठीक है, और मिसलिनियस के ठीक पहले जो है वो लिमिटेशन है, किसी भी एक्ट की अपनी सीमाएं होती है, इसी दायरे में रहता है, इसमें भी वैसा ही किया गया है। तो गांव के कॉन्सेप्ट, अगर आप गांव में रहे हैं, जानते हैं चीजों को, तो आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, उस चीज को आप लागू कीजिएगा, टेक्निकल चीजों में नहीं फंसिए, उसको लागू कीजिए, समझ में बिल्कुल आ जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ टेक्निकल टर्म्स है जिसको शुरू से देखते चलना है,
तीन महीने में, मृत्यु होने के 3 महीने के भीतर लैंडलॉर्ड लिख के देंगे। वापस अपने ऑफिस आ गया, 3 महीने के अंदर सारा रिकॉर्ड्स लैंडलॉर्ड साहब देंगे हेड को, इंपॉर्टेंट है, अनुमंडल के भीतर 1 साल के लिए। तो ये टर्म्स हो गया, आपको ध्यान रखना है। ट्रस्ट 10 वर्षों के लिए काम करेगा उसके जोत पर। गैर अधिवासी किसी को दे रहा है बंधक बना भूमि जो है वो दे रहा है 6 वर्षों के लिए मैक्सिमम। तो ये जो कुछ कुछ टर्म्स है उसको आप लोग नोट कर ले अलग से, तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। इसके बाद के जितने प्रावधान से नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और कोई टेक्निकली प्रॉब्लम है तो मुझसे आप जरूर बात कीजिए, सर ये वाला वर्ड समझ में नहीं आ रहा। चलिए ओके, थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।